आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर टू। होपफुली आपने बेसिक्स कवर कर लिया होगा। यहाँ ध्यान, इसको सोल्व करना है और सॉल्यूशन सेट लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट में x इज अ नेचुरल नंबर, जब x एक नेचुरल नंबर हो उस केस में करना है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे आप। आपको पता है जब भी नेगेटिव साइन हो तो रूल अलग था, तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करना आपको माइनस ट्वेल्व से ऑन बोथ साइड, 30 डिवाइडेड माइनस ट्वेल्व। एक बार के लिए ये साइन भूल जाए करो, चाहे इसको इक्वालिटी से कर लिया करो, जैसे तुमने क्लास टेंथ में किया हुआ है ना, ऐसे सोल्व कर लिया करो, ऐसे आपको आता है इजली, ठीक है। उसके बाद साइन के ऊपर आ जाएगा और रफली करके, इसको रफली करने के बाद इसको साइन को चेंज कर देना है और जो रूल है उसको सोल्व करना है। नेगेटिव का ख्याल उठा, जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ काट को क्या बचा, एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, माइनस 2.5। जब 30 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ, ठीक है। साइन चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, रूल नंबर टू के अकॉर्डिंग वेन एवर इन इक्वालिटी के अंदर सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड नेगेटिव नंबर, सेम नेगेटिव नंबर, तो साइन ऑफ इन इक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंजेस। तो ये बन गया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, x एक नेचुरल नंबर होता है और माइनस 2.5 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, इधर से 3, 4, 0। तो क्या माइनस 2.5 नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि ये खुद जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, विदाउट। यहाँ तक सेकंड पार्ट में आ जाओ, सोल्व तो ये करके रखा है, सॉल्यूशन सेट बताना है इंटीजर का। हाँ भाई, ये इंटीजर तो है, हाँ तो ये 1 हो गया, इसको एक्सपेंड करो 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3। तो क्या पूछा है, लेस देन माइनस 2.5, माइनस 400 ऐसे जा रहा है। अब ये बताओ माइनस 2.5 कहाँ आएगा, इधर, इससे लेस इधर है या इधर है, इधर बढ़ रहे हैं तो बड़े होते जा रहे हैं, पॉजिटिव होते जा रहे हैं, और इधर आ रहे तो नेगेटिव आते जा रहे हैं, तो क्या बन जाएंगे, माइनस 3, माइनस 400 कहाँ तक चला जाएगा, लेस देन तो सारे ही आ गए इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी। तो सॉल्यूशन सेट कैसे बना होगा इसका, माइनस 3 इंक्लूडेड है, और ब्रैकेट कैसे लगा दें आप, क्लोज माइनस 3 से माइनस इन्फिनिटी, यहाँ क्या आ जाएगी, तो ये बन जाएगा, ठीक है। लेस देन माइनस 2.5 3 से स्टार्ट होएगा, और क्योंकि 3 इक्वल है इसलिए ये ब्रैकेट, इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होती है, तो इन्फिनिटी के आगे हमेशा भी आपको यही ब्रैकेट मिलेगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, पोज द क्वेश्चन है ना, उसमें से हम कुछ कुछ पार्ट उठा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 उठाया हमने, इक्वालिटी अगर होती तो आप इजीली सॉल्व कर लेते ना, सपोज करो यहाँ पर इक्वालिटी है, मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ बाद में ये लिख लेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, 6 - 3x = 2 - 2x। तो लाइक तो हम एक तरफ कलेक्ट करोगे, 2 इधर आकर नेगेटिव, -2x ये इधर आकर पॉजिटिव, क्या बना, और x = x। आप साइन अपना लगा दो, ग्रेटर देन इक्वल टू का था क्या, ये लो ग्रेटर देन इक्वल, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, तो क्या होंगे सॉल्यूशन, x इज ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है दोनों, सिंबल चेंज नहीं करना है, इसकी तरफ ही रहेगा, x इज लेस देन इक्वल टू 4। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन सेट बनाओगे, अगर समझ में ना आए तो हमेशा नंबर लाइन से समझा लो इसको, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स है, इंटीजर दिखाई दे रहा है, लेस देन इक्वल टू 4, 4 से छोटा होना चाहिए और 4 के इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो ये आएगा यानी कि इस तरफ, तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 4 इंक्लूड होएगा और कहाँ तक जाएगा, इससे लेस देन तक, तो इन्फिनिटी तक, कौन सी इन्फिनिटी, माइनस, तो इसका आगे कभी भी क्लोज नहीं आएगी, ये ठीक है इस टाइप से। और देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक सेम है, तो इसमें से मैं उठा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11, पोज कर दो पहले, नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, ये सॉल्व करना आपको, अगर यहाँ पर इक्वल का साइन होता तो क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई, भूल जाओ इसको एक बार, ये लो ये क्वेश्चन है, अब तो इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 9 × x - 2 और 5 की मल्टीप्लाई ऊपर 25 × 2 - x, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, 9x - 18 = 50 - 25x। तो लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे, दिस इंप्लाई चलेगा यहाँ पर -25x इधर आकर +25x = 50, ये माइनस इधर आकर प्लस, क्या बन गया भैया, 34x = 68, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, 2। आप सिंबल पर आ जाओ, क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू था या लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू,
सब जगह लगा दो लेस देन इक्वल टू, ये लो ये लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ये लो ठीक है। सॉल्यूशन सेट पर आ जाओ, 1 2 3 4 टू से ये जीरो इधर माइनस, लेस देन इक्वल टू टू, इक्वल टू मतलब डॉट ये होगी, अगर इक्वल टू ना हो तो डॉट कैसी होती है, खाली होती है ना, अगर इक्वल है तो डॉट, ये इसका मतलब बड़ी ब्रैकेट से हाफ डॉट और ओपन ऐसे खाली डॉट, अब लेस देन एक्स जो है लेस देन इक्वल टू टू तो इस तरफ आएगा, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब बड़ी ब्रैकेट और कहाँ तक जाएगा माइनस इनफिनिटी, ये ठीक है। सारे इजी से क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि हम इसके अंदर उठा रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन, देखो क्या करना है इसके अंदर, x अपॉन 4 लेस देन गिवन है आपको 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस में 7x माइनस 3 अपॉन 5। कैमरे विजिबल है क्या देखना मुझे? यस हाँ जी, ये क्वेश्चन है, इक्वल टू लेकर चलोगे अब तो कर ही सकते हो, पहले इस साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे ना, एक्स बाय फोर लेस देन क्या एलसीएम बन गया 15 एलसीएम, थ्री फाइव था, फाइव से मल्टीप्लाई होगी माइनस, यहाँ क्या होगा फाइव थ्री था, थ्री इंटू सेवन एक्स माइनस, कोई भी डाउट हो तो पूछ लिए भाई, इसको एज ए क्लास समझ, जैसे क्लास में पढ़ते हैं ना वैसे, कोई भी डाउट हो पूछ लिया ठीक है। तो ये क्या बना है, एक्स बाई फोर लेस देन मल्टीप्लाई करेंगे 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 डिवाइड में ठीक है, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई 15 तो ऊपर चला गया, 15x लेस देन 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट कर लो क्या आ रही है 4x माइनस का 1 और 4 कहाँ आ गया, इस छत में कोई डाउट है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15 तो यहाँ चला गया और 4 यहाँ, 25 माइनस 21 4x बचा माइनस 10 प्लस 9 माइनस, अब कर दो सो क्या बना 15x लेस देन 16x माइनस 4, इसको इधर ले आओ 15x माइनस 16x लेस देन माइनस माइनस x, ये क्या बना माइनस x लेस देन माइनस, ये बना क्या करोगे यहाँ पर माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का x और ये क्या बन जाएगा ग्रेटर देन, माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन चेंज रूल नंबर 2 ठीक है। इस टाइप से मुझे पॉज द वीडियो नोट, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या करना है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर दिखाना है, हर बार मैं आपको नंबर लाइन दिखा रहा हूँ बना के वो समझाने के लिए, आपकी बार इसमें शो ही करना है ठीक है। तो वो सेम क्वेश्चन है सोल्व करने के लिए, सिंपलाइज यहाँ पर एलसीएम लेंगे भाई, ये क्या बना 5 से मल्टीप्लाई हो गया डायरेक्ट तो माइनस 10, अभी सोल्व किया तो वही क्वेश्चन लग रहे थे मुझे, वही वैसा ही है अगर एलसीएम भी आ गया वही है सर, वहाँ पर 4 था यहाँ पर 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, प्लस क्यों हो गया भैया ये माइनस माइनस प्लस ना, ये 5 से मल्टीप्लाई किया ये बना माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 21x और माइनस माइनस प्लस 5 3 का 15 और 3 का 9, तो ये बन गया 4x माइनस 1 अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से यहाँ पर 8x माइनस, ये इधर आएगा माइनस 7x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, हाँ भाई माइनस हटा रहा है तो क्या करोगे माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो ये बन गया माइनस 7x, पहले तो x की वैल्यू निकाल दो ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2y7, ये बन गया क्या माइनस हटाने की जरूरत है आप, यहाँ से देखो अगर इधर माइनस से करेंगे एक स्टेप बढ़ा देते हैं इधर से, यहाँ से मल्टीप्लाई करो माइनस से, तो माइनस 7x क्या बन जाएगा प्लस 2 हो जाएगा ठीक है, ये क्या बन जाएगा x less than equal to minus 7y sin θ, ये ठीक है। क्या किया यहाँ पर, ये माइनस मूल को हटाना था, एक बात और समझो, अगर क्वेश्चन ऐसे हो सपोज करो ये नहीं है,
ये है माइनस सेवन एक्स लेस देन इक्वल टू टू, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके चेक करो क्या आएगा। दोनों तरीके से कर लेते हैं, ये क्या बनेगा यहाँ पर, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा एक्स, क्या करूँगा यहाँ पर माइनस सेवन डिवाइडिंग माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू बाय सेवन, यहाँ से ये आ रहा है ठीक है। कब, जब मैं ये लेकर चलता हूँ माइनस सेवन एक्स लेस देन इक्वल टू, तो ये आ रहा है अपना आंसर। और अगर ये लेकर चल रहे हो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, है तो माइनस ही, इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो आंसर तो माइनस ही रहता, तो इस तरह से ठीक। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर, सॉरी अगर पूरा नहीं हुआ ना, न्यूट्रल लाइन पर कैसे करेंगे, जीरो वन टू थ्री, ये हो गया माइनस वन माइनस टू माइनस ठीक है। हाँ लेस देन इक्वल टू क्या बनाइए, माइनस थ्री पॉइंट फाइव, इससे लेस देन इक्वल टू, तो 3.5 कहाँ आएगा भाई, इधर आएगा, इससे लेस देन इक्वल टू माइनस 3.5 बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, कहाँ तक जाएगा प्लस क्यों आएगा, इधर जा रहा है लेस देन इक्वल टू है, लेस देन टू ये यहाँ आ रहा है ठीक है। तो ये क्वेश्चन 21 देखेंगे भाई, इसको देखकर आप क्लास 10 का जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर था ना उस पर चले जाओ। थर्ड और फोर्थ चैप्टर में हम क्या कर रहे थे क्लास 10 में, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी, फिर उसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते थे बहुत सारे स्टेटमेंट के बेस, ऐसे यहाँ पर है, पहले तो इनइक्वालिटी सिंपल आई है, अब स्टेटमेंट फॉर्म पर आ गई, मतलब स्टेटमेंट से आपको इनइक्वालिटी बनानी है फिर सॉल्व करना ठीक है। क्या है देखो इसके अंदर, रवि ओपेंड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट, पहले यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स आए उसके, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट, वो कम से कम मार्क्स निकालने इन थर्ड टेस्ट की टू एंड हैव एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स, पहले दो यूटी में इतने आए हैं तो ये बताओ कि थर्ड टेस्ट में उसको कितने नंबर लेने पड़ेंगे कि उसकी एवरेज क्या बन जाए 60 की बन जाए, ये बताओ। एक चीज़ जो यहाँ पर आ रही है, एक यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखी मैंने, एटलीस्ट 60 मार्क्स अभी है, एटलीस्ट कम से कम, हाँ एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब आपने क्लास 10 प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, एटलीस्ट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू और एटमोस्ट होता है लेस देन, इनका ध्यान रखना, मतलब ये आपको इनइक्वालिटी का सिंपल बताने में हेल्प करते हैं भाई, आप इनइक्वालिटी तो बना लोगे फिर ध्यान में आएगा साइन कौन सा बनाए, ग्रेटर देन इक्वल टू का या लेस देन इक्वल टू, तो वो कहाँ से पता चलेगा, एटलीस्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, एटमोस्ट है तो लेस देन इक्वल टू। हाँ भाई और पहले तो ओके, तो अब एक में तो 70 है दूसरे में 75 है, थर्ड के हमें निकालने, तो थर्ड के मैं एक्स मान लूँ, एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल मार्क्स डिवाइड में नंबर ऑफ मार्क्स, एवरेज मतलब मीन, मीन और एवरेज एक ही बात होती है ना, तो सम बन गई और डिवाइड में कितने सब्जेक्ट है ठीक है, ये हमें निकालना है। और एटलीस्ट सिंपल क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या निकाल लिया, एटलीस्ट 60 मार्क्स, तो ये बनेगी इनइक्वालिटी ठीक है, इन इक्वेशन बन गई, कोई डाउट इसमें ऐसे बनी। आप स्टेटमेंट लिखोगे लेट द मार्क्स टू बी ऑब्टेंड इन थर्ड यूटी इज एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बन गया, इसमें कोई डाउट है, ऐड कर दो क्या बन गया 145 लास्ट में 35 ये पूछ रहा हूँ 145 डिवाइड में ये क्रॉस मल्टीप्लाई 180 ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व कर लेंगे आपको, ये उधर जाकर माइनस क्या है ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, मतलब उसको कम से कम 35 मार्क्स लेने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा आ जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि एटलीस्ट 60 मार्क्स की एवरेज पूछिए ज़्यादा नहीं, तो दिस इज क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22 सेम यही है, वो आपको करना क्या है इसमें, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स की एवरेज बता रखी है और मोर इन 5 एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन हो गया 5, इस सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन के दे रखे हैं, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है वहाँ पर 5 है, 4 की दे रखी है तो एक समान ने डिवाइड में जा जाएगा 5 आ जाएगा ना, क्योंकि 5 सब्जेक्ट इस टाइप से करते पोस्ट द वीडियो नोट कर। 23 देखिए, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको समझना है ये क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव होना चाहिए
मतलब लगातार आना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। अगर कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो क्या बनेगी, ये बनेगी, ठीक है, कंसेक्यूटिव भी है, ऑड भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10, 10 से स्मॉलर भी हुई है सारे, हमें कितने मानने हैं, पेयर यानी दो मानने, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। इस टाइप से आपको इनमें से दो वो चूज करने हैं जिनका सम अगर जोड़ दें तो 11 से ज़्यादा आ जाए। यहाँ से देखो क्या बन रहे हैं, 5 और 7 बन रहे हैं, 7 और 9 भी बन रहे हैं, ये तो हम करेक्टली रिज्यूम कर रहे हैं, लेकिन सॉल्व कैसे करना है वो, यहाँ तो मैंने नंबर बता दिए थे ना आपको, अब क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर नहीं दिए तो वो मानने पड़ेंगे। अब मान लो लेट फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, दिस इंप्लाइज सेकंड क्या हो जाएगा बताओ, अगर पहला एक्स है तो दूसरा क्या बनेगा, एक्स प्लस टू या वन, वन 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 कितने आ गया, यहाँ देख लो दो है, दो का तो क्या बनेगा, एक्स प्लस टू बनेगा ना, सेवन का ही बात, ठीक है। हाँ तो इनका ये क्या गिवन है, लेस देन 10 है बोला है यहाँ पर, दोनों जो है वो 10 से कम होने चाहिए, यानी कि ये दोनों के दोनों लेस देन 10। फिर क्या बोल रहा है, एंड देयर सम इज मोर देन 11, मतलब इन दोनों को जोड़ दूँ मैं एक्स प्लस टू तो सम क्या बन जाए, मोर देन 11 यानी ग्रेटर देन 11। ये क्या बन गया इधर आकर, एट ये क्या बना भाई, 2x प्लस टू ग्रेटर देन 11 यानी कि 2x ग्रेटर देन उधर जाएगा 9 प्लस टू उधर जाएगा माइनस, यानी एक्स का ग्रेटर देन 9/2 यानी कि 4.5। तो ऐसा नंबर बताना है आपको x जो 4.5 से तो छोटा हो और 8 से बड़ा, इसका इंटरवल ये बना लेस देन 8 और ग्रेटर देन 4.5, तो वो नंबर बताना है। तो और उनके बीच में कैसे नंबर होने चाहिए, ओड होने चाहिए, तो 4.5 के बाद क्या आएगा, ओड 5 आएगा, यानी यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या बनेगी 5, तो लेस देन 8 भी होना चाहिए, दूसरा क्या आएगा 7। एक इनके बीच के नंबर कौन कौन से बचे वो देख लो ना, 5 6 7 ये तीन बचे, 4.5 से 8 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, ये तीन, ये तो ओड है, क्या ये ओड है, नहीं है, इसको तो नहीं लेना, यानी या तो 5 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, ठीक है। तो वो पेयर कौन से बने, एक तो 5 के साथ बना दो, 5 और 7 एक ही निकालना है, बस एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 5 आ गई ना, दूसरी क्या होगी 7, ये पेयर बन, ठीक है, ये क्या निकालना है हमने एक्स, एक्स क्या है 5, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। एक और बन सकता है क्या, जब एक्स की वैल्यू 7 हो तो ये क्या बन जाएगा 9, ये भी तो बन सकता है, यानी दूसरा पेयर क्या बना 7, 9। ये एक्स की दो वैल्यू आई है अपने पास, तो एक बार तो 5 पुट करनी है, तो ये 5 है तो ये 7 ये 7 दूसरी है ये 7, तो एक बार 7 पुट करनी है, 7 पुट की तो ये क्या बन गई, तो दो पेयर बन गए जो दोनों 10 से कम भी है और दोनों का सम जोड़ रहे तो 11 से ज़्यादा भी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। 24 बिल्कुल सेम है, वहाँ पर इवन आ गया बस, ठीक है, आपको करना है पॉज द वीडियो, नोट करना। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 दोनों सेम है, तो उसमें से मैं आपको 26 करा रहा हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट देखिए क्या है, अ मैन वांट्स टू कट थ्री लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ अ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। ये बोर्ड है जिसकी लेंथ जो है 91 सेंटीमीटर है, इसके तीन पार्ट कर लें, ठीक है। सच दैट द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, लिख देता हूँ मैं, दो दो कंडीशन है, सेकेंड लेंथ is to be 3 centimeter longer than the shortest, एक तो condition ही है, फिर है and the third length, तीन से करने ना, तो third length की बात आ रही है, is to be twice as long as the shortest, दो कंडीशन की बन, देखो क्या है, सेट तीन लेंथ बनेगी, मान लो 1, 2 और 3 तीन हिस्से बना दिए हमने, इसके जो सेकेंड लेंथ है ना, वो ये सेकेंड लेंथ वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे, शॉर्टेस्ट से, हमें शॉर्टेस्ट पता नहीं है, तो मान लो लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ इज x सेंटीमीटर, तो
तो सेकंड लेंथ कितनी बन जाएगा, एक्स प्लस तीन ज़्यादा एक्स प्लस। ठीक, अब इस पर आ जाओ, थर्ड लेंथ जो बची वो ट्वाइस है इससे एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कौन सी ये, इसके ट्वाइस क्या बनी, टू एक्स। तीनों पता लगी, कोई डाउट यहाँ तक। अब क्या करना है, इन तीनों का सम ये बताओ, 91 से ज़्यादा या 91 से कम, 91 क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है 91, तो ऑब्वियस सी बात है इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, यानी ये क्या बना है, एक्स प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री लेस देन 91। इसकी बात कर रहा था कि मैं ये क्या लगाओगे, तो ये कैसे पता चला, क्योंकि टोटल लेंथ है 91, तो इससे छोटी रहेगी, इक्वल टू नहीं आ सकती, इसने बोला हुआ यहाँ पर लेंथ 91 सेंटीमीटर बनानी है, मतलब इन तीनों को जोड़ोगे तो इससे ज़्यादा नहीं होगी, इक्वल टू लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, क्योंकि इन तीनों को जोड़ के इक्वल टू आ सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें क्या बन जाएगा, 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91, तो क्या बना 4x लेस देन इक्वल टू 87 88 88 88, तो x आप चेक करेंगे यहाँ से इक्वल टू लग सकता है, x की वैल्यू 22 आ रही है, तो पुट करो ये 22 है, ये क्या बनेगी 25 और ये 44, 22 का डबल ऐड करना कितना बन गया 89, लेस देन ही रह रहा है तो सिंपल में क्या है लेस देन, ये तीनों का सम इक्वल टू आएंगे तो क्या रखेंगे लेस देन। विदाउट इस क्वेश्चन क्या गिवन था, 91 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, उसके तीन पार्ट करने हैं, और ये कंडीशन आपको गिवन है, ये नहीं बता रखा कि कौन सी क्या है, लेकिन सारी जो बातें हैं वो शॉर्टेस्ट पर आकर अटक जाती है, जहाँ से देखो सेकंड लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है शॉर्टेस्ट से, तो हमने मान लिया कि शॉर्टेस्ट एक्स है तो ये उससे 3 ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पर थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट की ट्वाइस, यानी ये तो तीनों का सम क्या बना लेस देन 91, सॉल्व कर दिया, यानी ये क्या लेस देन 20। ठीक है, तो दिस इज एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 25 सेम एज इट इज आपको।